हाय फ्रेंड्स, मैं मीनू अपने यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं अपने टेरिस गार्डन के टमाटर के प्लांट्स के बारे में बात करना चाहती हूँ। इसके लिए मैंने एक अच्छा सा फ्रेश टमाटर लिया हुआ है। इसको काट कर मैंने इसके बीज निकाल लिए हैं। आप चाहें तो इसके बीज सीड शॉप से भी ला सकते हैं। फ़र्क इतना है कि सीड शॉप के बीजों में फंगस का कटर कम होता है, और इन सीड में भी आप फंजीसाइड पाउडर मिला सकते हैं। बोने से पहले थोड़ा सा फंजीसाइड पाउडर मिला दीजिए। मैंने भी वही किया हुआ है। ये देखिए, इसके बीज निकल आए हैं। ये देसी टमाटर के बीज हैं। मेरे गार्डन में जो गमले खाली हैं, इसमें करी पत्ते का प्लांट लगा हुआ है जो काफ़ी ऊपर निकल गया, नीचे पूरा पॉट खाली पड़ा था। तो मैंने इसकी हल्की हल्की सी गुड़ाई करके और इसमें ही इन्हीं बीजों को इस तरह से मिट्टी में फैला दिया है। बीज कुछ ज़्यादा डालें, हो सकता है कुछ बीज अच्छे ना हो, इसलिए थोड़े से ज़्यादा ही बीज डाल दिए हैं और इनको आधा इंच मिट्टी की लेयर में दबा दिया है कुछ इस तरह से। और ये मेरा एक गुड़हल का पेड़ है जो कि काफ़ी बड़े गमले में लगा हुआ है। इसकी भी मिट्टी मैंने गुड़ाई करके हल्की हल्की गुड़ाई की है, जितना खाली था। इसमें थोड़ी सी पर्सलिन पुरचूला का लगा हुआ है। बाकी जो जगह खाली थी उसमें मैंने गुड़ाई करके इस तरह से हल्की हल्की गुड़ाई कर दी है। और इन्हीं बीजों को मैं फैला दे रही हूँ। अच्छे तरीके से मिट्टी के टुकड़ों को फोड़ दें। जिस तरह से करी पत्ते के गमले में बीजों को बोया था, उसी तरह इसमें भी आधा इंच लगभग मिट्टी के नीचे बीज दबा दिए हैं। जो बीज खुला है उसको भी इसी तरह मिट्टी के नीचे दबा दे रही हूँ। फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने अपने इन गमलों में बीजों को बो दिया है। ये फरवरी मंथ है जब मैं इन बीजों को बो रही हूँ। अब 2 महीने बाद अप्रैल का रिजल्ट देखिए। ये गुड़हल का पेड़ है जिसमें मैंने इसको स्टेकिंग करके बांध दिया है। इसी से स्टिक का काम लिया, पेड़ के टहनी के सहारे इसको बांध दिया। इसकी फ्रूटिंग देख सकते हैं। 2 महीने बाद ये करी पत्ते के गमले में बोया हुआ इन पौधों को देखिए, इनमें भी कितनी अच्छी फ्रूटिंग हुई है। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फ्रूटिंग हुई है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।